कटनी में बोले शाह जातिवाद पार्टियां मोदी को हराने इकट्ठा हुई। कहा कांग्रेस ने 70 साल तक जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आधार पर राज किया। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले कटनी के बरही में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। संबोधन में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जातिवादी और परिवारवादी पार्टियां पीएम मोदी को हराने के लिए इकट्ठा हुई हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 70 साल तक जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आधार पर राज किया। मोदी ने देश से जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया। इससे पहले केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंडला में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने का काम किया है। उनको खाना पकाने के लिए गैस सिलेंडर और रहने के लिए आवास दिए हैं। शाह ने गुरुवार को भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते के पक्ष में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया भर में 5वें नंबर पर लाए हैं। मोदी जी को तीसरी बार पीएम बना दो, इससे तीसरे नंबर पर पहुंचा देंगे। उन्होंने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया पर कहा, घमंडिया गठबंधन के नेता चाहते हैं कि उनके बेटा और बेटी ही आगे बढ़े। इससे पहले शाह करीब 1 बजे जबलपुर पहुंचे थे। यहां उनका स्वागत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। शाह की सभा की 5 बड़ी बातें। 10 साल देश में कांग्रेस का शासन था। पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उफ तक नहीं करते थे। मैं पूछना चाहता हूं राहुल बाबा से, अपने देश के राष्ट्रपति पद पर किसी आदिवासी को बिठाया क्या? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आदिवासियों को उछलने का काम किया है। राम मंदिर बनाना चाहिए था कि नहीं? 55 साल कांग्रेस पार्टी से लटकाती अटकाती और भटकाती रही। 5 साल के केस जीते, भूमि पूजन भी हो गया और प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। घमंडिया गठबंधन वाले चाहते हैं कि उनके बेटे बेटी आगे बढ़े। ममता बनर्जी भतीजे को, शरद पवार बेटी को और स्टालिन बेटे को, सोनिया जी बेटे को आगे बढ़ाना चाहती है। हमने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से आपके इलाके का विकास किया। घमंडिया गठबंधन डायनेस्टी मैनेजमेंट फंड में लगा है। शाह बोले इंडिया अलायंस भ्रष्टाचारियों का जमघट। शाह ने कहा कि घमंडिया गठबंधन भ्रष्टाचारियों का जमघट है। 10 साल तक सोनिया मनमोहन ने सरकार चलाई, इस दौरान 12 लाख करोड़ का घपला किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया। दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।